प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हमीरपुर कांग्रेस में चल रहा घमासान और तेज हो गया है। जहां सुक्खू समर्थक वीरभद्र सिंह पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, वहीं अब वीरभद्र सिंह के समर्थन में भी युवा कांग्रेस के नेता उतर आए हैं। हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र महासचिव मोहित चौधरी ने कहा कि अध्यक्ष बदलना पार्टी हाईकमान का फैसला है, लेकिन आए दिन पूर्व मुख्यमंत्री पर एक विशेष गुट की बयानबाजी अशोभनीय है। मोहित चौधरी ने कहा कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बदलने से अब कांग्रेस में नए रक्त का संचार होगा और प्रदेश में पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने दावा किया है कि नए रक्त के संचार के साथ पार्टी लोकसभा चुनावों की चारों सीटों को कांग्रेस की झोली में डालेगी। वहीं वीरभद्र पर कांग्रेस ना रिपीट करने के आरोपों पर मोहित चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि हार का मुख्य कारण सुक्खू की टिकटों के गलत आवंटन रहा है, लेकिन अब उल्टा सुक्खू गुट वीरभद्र सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने सुजानपुर से राजेंद्र राणा की डिमांड की थी, जिस कारण बीजेपी का सीएम कैंडिडेट धूमल तक हारा है। देखिए, ये जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कुलदीप सिंह राठौर जी, और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला ना गया हो। प्रदेश अध्यक्ष पहले भी कई रहे, कौल सिंह रहे, विप्लव ठाकुर रही, राजा वीरभद्र सिंह जी रहे। ये ऐसा लग रहा है कि ये लोग चॉइसेस और सिलेक्टेड लोग थे, कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को हटाना या वहाँ पर बनवाना ये हाईकमांड के हाथ में होता है। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है इस अध्यक्ष नवनियुक्त होने के बाद कि जो पुराना संगठन था वो काफ़ी कमज़ोर है, और वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि उनसे उनकी कुर्सी छिन जाए। मैं राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे, कई दफ़ा केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी इलेक्टेड। राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर कुछ टुच नेता होछी बयानबाजी कर रहे हैं और उनसे उनकी मानसिकता जो है बड़ी घटिया वो शो कर रहे हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी को हिमाचल प्रदेश में उनकी ज़रूरत नहीं है कांग्रेस की जीत के लिए। ये प्रदेश की जनता जानती है, जिन्होंने 6 दफ़ा राजा वीरभद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो जानते हैं कि किसकी ज़रूरत प्रदेश को है और किसकी नहीं है, और जिसका आपके सामने उदाहरण आ चुका है। राजा वीरभद्र सिंह जी काफ़ी तजुर्बेदार नेता है, और ये टुच दिए जो आज के हवा में उड़े हैं, जो पंच का चुनाव नहीं जीत सकते, जो जिला परिषद का चुनाव नहीं जीत सकते, म्यूनिसिपल काउंसलर का चुनाव नहीं जीत सकते, और ये बड़ी बड़ी इच्छाएं प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी बड़ी बेवकूफ़ी है। राजा वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे इंसान हैं जो जिसके साथ में व्यक्ति हो, जिसके साथ में लोग हो, जनता जुड़ी हो, ये ऐसे लोगों का साथ देते हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी जहाँ सच हो वहाँ सच्चाई की पूरी बात रखते हैं, जहाँ ठीक काम हो रहा उसकी प्रशंसा करते हैं, जहाँ गलत होता है उसकी वो विरोध करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अब ये कह रहे हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी ने सरकार रिपीट नहीं कराई, तो इसका कोई यही उदाहरण नहीं कि राजा वीरभद्र सिंह ने सरकार रिपीट नहीं कराई। एक राजा वीरभद्र सिंह जी ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन करने के बाद एक दफ़ा भी नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, और अपना जिला छोड़ के दूसरे जिले की कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ पे 3 दफ़ा हमने चुनाव हारा है वहाँ से ही चुनाव जीत के आए और पूरे प्रदेश का दौरा किया। मेरे को एक व्यक्ति बता दे जो संगठन का है कि क्या उस व्यक्ति ने भी अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के, या उनके किसी भी जो कैंडिडेट होंगे उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में किसी मदद करने गए, उनको अपनी ही आपकी फंस चुकी थी, अभी तो वो आगे जा नहीं पाए। और ये टुच भैया जो सारे नेता हैं ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि राजा वीरभद्र सिंह जी बुजुर्ग हैं, राजा वीरभद्र सिंह की उम्र काफ़ी हो गई है। तो राजा वीरभद्र सिंह की उम्र को तो मैं आपको बताता हूँ, दर्शाता हूँ कि राजा वीरभद्र सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो आज की उम्र में भी, आज के वक्त में भी 18 घंटे लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनका काम करते हैं और 6 घंटे सोते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग एक हफ्ते में 18 घंटे काम नहीं करते होंगे, ये जो राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जो है इल्जाम लगा रहे हैं। मोहित जी, दबाव की राजनीति के कारण तो नहीं बदला गया है, किसी का दबाव नहीं होता, ये तो हाई कमांड की बात है। परिवर्तन होना एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, नया संगठन आता है, नए लोग जुड़ते हैं,
और उनको भी मौका मिलता है काम करने का, और कई लोग रह जाते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन जो आने वाले हैं, और हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा की सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में, नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है हम चारों लोकसभा की सीटें जो है हम जीतेंगे। वो जी सुक्खू के बदौलत कभी इलेक्शन जीत नहीं पाए हैं, तो उनका कहना है कि वीरभद्र भी इतनी राय मुख्यमंत्री रहे हैं तो क्या कहेंगे आप कि इलेक्शन हारते रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन ऐसा कौन सा इलेक्शन है? राजा वीरभद्र सिंह जी ऐसे है कि इन्होंने एक दफा सरकार रिपीट की, और हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा होता ही है कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि सरकार क्यों नहीं रिपीट हो पाई, सरकार इसलिए रिपीट नहीं हो पाई कि राजा वीरभद्र सिंह जी के कहने से टिकटें नहीं आवंटन हुआ। यहाँ पे ऐसे व्यक्तियों को टिकटें दी गई जो कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे 1500 वोट या 2500 वोट इन्होंने विधानसभा में लिया। देखिए, हमीरपुर में बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, राजा वीरभद्र सिंह की तोप राजेंद्र राणा, और ऊपर से सीएम का चेहरा दिया हुआ प्रेम कुमार धूमल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी चेहरा दिया हुआ प्रेम कुमार धूमल को हराना, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने हराया, और वहां पे पूरा माहौल एक भारतीय जनता पार्टी का बन चुका था? क्या ऐसा हो सकता है? ये राजा वीरभद्र सिंह जी की ताकत है, उनकी शख्सियत है, उनका काम करने का नतीजा है, और जिंदर राणा ने काम किया है, और राजा वीरभद्र सिंह जी उनके कहने पे काम किए हैं, तभी प्रेम कुमार धूमल को हार मिली है, ये सभी जनता जानती है। और हमीरपुर आज देखिए, जब से प्रेम कुमार धूमल जी की हार हुई है आज हमीरपुर में क्या हाल है, ये लोग अपने से ही अपने आप में लड़ रहे हैं। और हमीरपुर का जिला जो है अब मुझे लगता है कि कम से कम 15 या 20 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जितने 5 साल में काम किए हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी ने 5 साल में काम किए हैं, वो दर्शाया है कि हमीरपुर में ऐसा हुआ है कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है हम जीत के लाए हैं। अब वो जी आप क्या कहना चाहेंगे कि सुक्खू के जब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं तो उनके कार्यकाल में संगठन कमजोर हुआ है? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू एक मैं समझता हूँ एक वरिष्ठ नेता है, और निदौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि उनको कौन मिसगाइड करता है, या कौन चॉइसिंग जो है, मतलब एक चॉइस लिस्ट रखी होती है अपनी मर्जी से, जैसे खाने की हम किसी होटल में जाते हैं वहाँ खाने की लिस्ट बनी होती है कि हमने ये दाल खानी है, ये यही होगी। तो वैसे ही मुझे लगता है कि डीसीसी और बीसीसी में जो है जो पुराना संगठन था जो किया था, वो उन्होंने मेरे ख्याल वैसे ही करके अपॉइंट किया है, क्योंकि ये लोग ना तो कभी जिला परिषद का चुनाव जीता, या मुझे एक भी डीसीसी में कोई मेंबर बता दे जो इलेक्टेड बॉडी से आगे निकल के आया है। हालांकि कई लोग यहाँ पे कई संगठन के ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा की टिकट का दावेदारी करते हैं, लेकिन जिंदगी में उन्होंने ऐसा कोई भी चुनाव नहीं जीता है जिनसे उनका नाम जो है पब्लिक के बीच में आए। इनके साथ कोई ना एक व्यक्ति साथ में चलता है, ना ही इनकी आस पड़ोस में बनती है, या आप इनके किसी भी पंचायत में से कोई भी काफी नेता है, इसमें कोई दोराय की बात नहीं, काफी नेता है, ना इनकी आस पड़ोस में इनके साथ बनती है, और पंचायत के लोग और जितने भी इनके आस पड़ोस गांव के लोग होते हैं या शहर के रहने वाले हैं, तो वो सभी लोग जानते हैं कि इनका कितना वजूद है और ये लोगों के बीच में कितने रूप से काम कर सकते हैं।